असली खुदाई कहां से हुई थी, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, हड़प्पा सभ्य। हड़प्पा किस देश, अभी कहां पे है, पाकिस्तान। जिला माउंट गोमरी, जिला माउंट गोमरी, पाकिस्तान के किस जिला में, माउंट गोमरी। किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे, रावी नदी के, रावी नदी के किनारे था हड़प्पा। यहां से बहुत सारा चीज मिला है, यहाँ पे कुम्हार का चाक मिला है जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। कुम्हार एक इतना बड़ा पहिया रखे रहता है जिसको इसे नचाते रहता है और उसी से इसे मिट्टी बना देता है। कुम्हार मेहनती होता है, मजदूर की श्रेणी में आएगा, काम करेगा, भूख लगे खाएगा कि नहीं। तो वहां अन्नागार भी मिला है, भोजन रखने वाला गोदाम। तो कुम्हार का चाक हड़प्पा, अन्नागार हड़प्पा। थक जाएगा तो मैं आराम करेगा, श्रमिक आवास हड़प्पा, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास हड़प्पा। तो हड़प्पा से बहुत सारी चीजें मिली है, हड़प्पा से क्या मिली है, बहुत सारी चीजें मिली है। हम यहाँ बना देंगे हड़प्पा से क्या क्या मिला है। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी क्या मिली है, मूर्ति। यानी उस समय ये पता चलता है कि किसी पुरुष का मूर्ति मिलने के जगह मातृ देवी की मूर्ति मिली है। यानी उस समय का समाज महिला प्रधान था। कैसा समाज था, मातृ समाज, महिला प्रधान, मातृ सत्तात्मक था। जब अभी के समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक है। अभी का समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक है, पेट्रियोटिक सोसाइटी है। अभी अभी किसी से पूछेगा आप किसके लड़का है तो पिताजी का नाम बताएगा। लकड़ी का ताबूत, ताबूत तो लकड़ी का ही होता है जिसमें लाश दफनाया जाता है, खूब अच्छा से पैक करके ताबूत में दफना दिया जाता है। क्रिश्चियन लोग जो होते हैं ना, क्रिश्चियन, वो लाश को किसमें दफनाते हैं, ताबूत में। पहले लकड़ी के बॉक्स में पैक कर देते हैं, उसके बाद गड्ढा खोद के उसको अच्छे से रख के फिर ढाको के बनाते हैं यहाँ पे। जबकि मुस्लिम लोग जो है वो भी सेम दफनाते हैं, लेकिन वो ताबूत नहीं रखते हैं। वो लोग क्या नहीं रखते हैं, ताबूत नहीं रखते हैं यहाँ पे। जैसे एक ऐसे गड्ढा हो गया, ये गड्ढा अब ईसाई लोगों को रखना होगा ना इसमें, तो पहले क्या रखेंगे, ताबूत। लाश को किसमें रखेंगे, ताबूत में रखेंगे, उसके बाद इसमें रखेंगे, उसके बाद मिट्टी डाल देंगे ताकि कफन पे गंदा नहीं होना चाहिए। एक परंपरा के हिसाब से कफन पे मिट्टी उठी नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से ईसाई लोग दफनाते हैं। मुस्लिम लोग भी क्या करते हैं, कब्र खोदते हैं और उसके बाद से ना यहाँ लकड़ी या कुछ वो रख देते हैं, पटरा, लकड़ी बांस वगैरह की कुछ कुछ ऐसे रख लेते हैं और अंदर लाश को रख देंगे और डायरेक्ट लाश के ऊपर मिट्टी नहीं डालेंगे, इसके ऊपर लकड़ी पटरा या कुछ कुछ ऐसे लगा देते हैं। समझ आ गया कि नहीं, पैक कर देते हैं ताकि जब इसके ऊपर मिट्टी डाली जाए तो मिट्टी अंदर नहीं जाए। वहां इसके ऊपर कुछ कटीले पेड़ पौधे रख दिए जाते हैं इसके ऊपर, ताकि ना जानवर वगैरह अंदर ना घुसे खोद के, वरना इसे छोड़ देंगे तो कई जानवर ऐसे होते हैं ना घुस जाएंगे सब अंदर, क्योंकि लाश जो होती है डिकम्पोज होगी यहाँ पे, तो इसे खोदेगा तो उसको कटवा गड़ जाता है। उसके बाद उस पर क्या रख दिया जाता है, मिट्टी रख देते हैं। उस लोग मुस्लिम लोग ताबूत में नहीं रखते, वो लोग किसमें रख देते हैं, सीधे कब्र में, कफन पहना के लाश को कब्र में रख दिया जाता है, लेकिन डायरेक्ट उसके ऊपर मिट्टी डाला जाता है, पहले पटरा या फिर कुछ लगा के उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी रखते हैं। तो ताबूत कहाँ मिला, हड़प्पा में। ताबूत कहाँ मिला, हड़प्पा में। क्या मिला, ताबूत मिला। एक कब्रिस्तान मिला है जिसके ऊपर लिखा है RS-37। कब्रिस्तान के ऊपर क्या लिखा, RS-37। अब ताबूत मिला है तो लाश दफनाया ही होगा, तो कब्रिस्तान के बाहर मेन गेट पे क्या लिखा, RS-37। बताइए RS-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला। उस समय R लिखा था, कैपिटल R, कैपिटल H और 37। समझ में नहीं आता इनसे की भाषा थी क्या भाई, ये कई कई भाषाओं का क्या था, मिक्सचर था यहाँ पे। तो RS-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला, हाथी का कपाल, हाथी का खोपड़ी मिला है, कहाँ से, हड़प्पा से। हाथी का कपाल हड़प्पा, हाथी का कपाल स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह होता है ना इसे, स्वास्तिक चिन्ह सूर्य देवता के लिए होता है, स्वास्तिक चिन्ह किसके लिए, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा, स्वास्तिक चिन्ह RS-37 कब्रिस्तान हड़प्पा। अब वहां क्यों लिखा था RS-37 पता ही नहीं है, क्योंकि किसी ने भाषा पढ़ा ही नहीं। RS का फुल फॉर्म क्या था, RS-37 क्या था वहां पे, लेकिन कब्रिस्तान के मेन गेट पे क्या लिखा था, RS-37, अंग्रेजी में लिखा था RS-37 एग्जैक्ट,
अब पता ही नहीं चलता उनकी भाषा थी क्या, क्योंकि सिंधु सभ्यता आता है आद्य ऐतिहासिक में, उसकी भाषा मिलेगी, लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हमको पढ़ा नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?